नीलम, आज हम भटूरे बनाएंगे। आप मेरे चैनल पर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए, ये एक कटोरी मैदे की है, करीबन 100 ग्राम मैदा है और 2 चम्मच गेहूं का आटा है। इसमें थोड़ा सा सोडा डालेंगे, 2 चुटकी। तो थोड़ी सी शक्कर है, और नमक है 1 छोटा सा चम्मच स्वाद अनुसार। दो चम्मच करीबन हमने तेल डाला है, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे चम्मच की सहायता से या हाथ से। हम तेल, नमक और सोडा सब मिक्स हो जाए इसमें अच्छे से। इसमें थोड़ा सा हम बेकिंग पाउडर भी डालेंगे, क्योंकि बेकिंग पाउडर से अच्छे से फूलते हैं। छोटी सी चम्मच है आधी। 2 चम्मच करीबन दही है, 2 और बेकिंग सोडा इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा अच्छे से खमन आ जाता है, काफी नरम और अच्छे फूलते भी हैं। तो हम थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी, एक साथ नहीं डालेंगे। अब हम हाथ से अच्छे से डो बनाएंगे। लगभग आटा हमारा तैयार है। थोड़ा सा हम पानी और डालेंगे इसमें, क्योंकि आटे को ज्यादा नरम नहीं बनाना है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छे से सब मिक्स हो जाए। लगभग आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल लगा के अच्छे से गूंद चुका है। अब इसे हम करीबन 15-20 मिनट तक इसको ढक के रखेंगे, कपड़े से ढकेंगे या तो प्लेट। पंद्रह बीस मिनट हो चुके हैं, अब आटा काफी नरम हो गया है और थोड़ा फूल भी गया है। देखिए कितना अच्छा आटा फूला हुआ है। इस तरह से हम डो बनाएंगे, या तो छोटे छोटे पूरी जैसे बेलेंगे या रोटी के जितना जैसे आप पसंद करते हो। मैंने छोटा ही बनाया है पूरी की साइज का। देखिए अच्छे से बेल रहा है, तो
क्योंकि आटा है ना अच्छे से स्पंजी हो चुका है। अब हमने तेल भी गरम करने के लिए रखा हुआ है कढ़ाई में। थोड़ा सा हमने आटा इसमें डाल के देखा है कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है, देखिए ऊपर आ गया है। अब हम भटूरा डालेंगे। तेल को ज्यादा गर्म भी नहीं करना है और ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। भटूरे के ऊपर भी हम तेल इस तरह से डालते जाएंगे तो भटूरा अच्छे से फूलता है। आप चाहें तो नरम बनाइए, चाहें तो थोड़ा सा इसे ब्राउन कलर करें, ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। अगर थोड़ी देर हम इसे बाहर ठंडा करने के लिए रखेंगे तो ये नरम हो जाते हैं। अब इस तरह से हम और भी बनाते जाएंगे। तो ज़्यादा तेल गरम अब काफ़ी हो जाएगा तो उसमें ये जलने लगेंगे। अभी हमने दूसरा भी भटूरा, अब हम इसको भी तल रहे हैं। देखिए इस तरह से हमें तलना है, तेल बिल्कुल ऊपर ऊपर इस तरह से गरम गरम डालना है। इसमें कुछ समय नहीं लगता, कितने अच्छे से फूल गया है। आइए इस तरह से हम और बनाते जाएंगे। इसे छोले के साथ खाया जाता है, इस तरह से आप बनाइए। आप जरूर इसे टेस्ट करिए, आप मेरे चैनल पर जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। छोले भटूरे, आप इसे छोले के साथ, राजमा के साथ, आलू की सब्जी जो ग्रेवी वाली रहती है उसके साथ भी आप खा सकते हैं।